जनता दल यू फ्यूज बॉल है, उसकी प्रकाश अब फैलने वाली नहीं है, न 15 साल पे टिकेंगे न वर्तमान में टिकेंगे। अतीत भी उनके विनाशकारी थे, वर्तमान भी उनके विनाशकारी हैं जदयू के। विशेष राज्य के दर्जे पर पलटी मार जाएंगे, अपने राष्ट्रीय ध्वज की बात को खारिज करेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मुखमंडल पर और उनके चितवन पर जो रेखाएं थकान की परिलक्षित होती है, सब समझ जाता है कि मुख्यमंत्री जी थके हुए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भले ही नीतीश सरकार को बाढ़ और सुखाड़ को लेकर के घेरा था, लेकिन देखिए अब जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में आज काउंटर 15 पर चर्चा हुई है। तमाम जो प्रवक्ता है उनके साथ बैठक हुआ है। हम बात करेंगे, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव है। शक्ति जी, काउंटर 15 पे चर्चा हुआ है तमाम प्रवक्ताओं के साथ, 15 साल के शासन काल को एक बार फिर से जनता के बीच ले जाने की बात की गई है आज। देखिए, फ्यूज बॉल रोशनी नहीं देता, जनता दल यू फ्यूज बॉल है, उसकी प्रकाश अब फैलने वाली नहीं है। 15 वर्ष बनाम 15 वर्ष पर भी चर्चा करेंगे तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। एक बात स्पष्ट तौर पे मान लीजिए और मैं खुल के कहता हूँ कि 15 वर्ष बनाम 15 वर्ष पर चर्चा करेंगे तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। 2500 करोड़ का सृजन घोटाला आज़ाद हिंदुस्तान ने, बिहार में किसी ने इतना बड़ा घोटाले को अंजाम नहीं दिया होगा। सरकारी खजाने को लूटने की बकायद की गई, शराब घोटाला, बियाडा घोटाला, भूमि घोटाला की गई, बांध घोटाला हुआ, चावल घोटाला हुआ, 70 घोटाले के मकबरे पे बैठे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, भ्रष्टाचार के मुख्य विष्णु पितामह हैं। इन परिस्थितियों में चर्चा करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि अपने प्रवक्ताओं को जदयू कम से कम ABCD का ज्ञान भी दिलवा दे, क्योंकि बिना ज्ञान दिए हुए हमें नहीं लगता कि ये जन अवेयर भी हो सकेंगे। हम हर सवालों को का तीखा जवाब देने के लिए बैठे हैं। प्रतिपक्ष सकारात्मक राजनीति करता है, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक ऐसे छवि के रूप में उभरे हैं कि उस छवि के सामने नीतीश जी कहीं न कहीं बुझी हुई बत्ती के समान दिखते हैं। इसलिए ये बात उनकी जो है ना, हमको समझ से परे लगता है कि दुनिया कहाँ चला गया, आप कहाँ जा रहे। 15 वर्षों पर तो आपको मैंने कई मंचों से और नेता प्रतिपक्ष ने सदन के अंदर NCRB की रिपोर्ट रपटे साफ साफ रख करके आईने की तरह दिखा दिया। हमें जो मिला था बिहार, नक्सल बिहार मिला था, अपराध वाला बिहार मिला था, और हमने जो आपको बिहार दिया 2005 में, वो बिहार था अपराध रहित। हमको मिला अपराध सहित, हमने आपको दिया अपराध रहित। उसके आंकड़े हैं, अवलोकन कर लीजिए, चूंकि आप लोग थके लोग हैं, आप तो अवलोकन करते नहीं हैं। कृषि के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर खाद्यान्न के मामले में बिहार था। RBI ने स्पष्ट तौर पर बिहार के वित्त मैनेजमेंट को सराहा था, सबसे अच्छा मैनेजमेंट कर्ता के रूप में बिहार को मेडल तक मिला था। अब इनको जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ ककहरे का भी ज्ञान इन लोगों को दिलानी चाहिए जो लोग सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। स्क्रिप्ट मत पढ़िए, एक्सप्रिप्ट सच्चाई से इतर होता है। जनता दल यूनाइटेड के लोगों के पास क्या 15 साल ही एक मुद्दा है, क्योंकि कुछ भी होता है तेजस्वी यादव को लेकर के तो 15 साल पे बड़ी चर्चा होती है। न 15 साल पे टिकेंगे न वर्तमान में टिकेंगे। अतीत भी उनके विनाशकारी थे, वर्तमान भी उनके विनाशकारी हैं जदयू के। जदयू का जब अतीत भी विनाशकारी है और वर्तमान ही विनाशकारी है तो चर्चा किस पे करेंगे। बांध घोटाला होगा और सिंचाई विभाग भ्रष्टाचार का मकबरा बनेगा तो किस पे चर्चा करेगी। शराब के नाम पर पैरल इकोनॉमिक राज्य के अंदर में खड़ी की जाएगी, शराब माफिया एक अन्य मार्ग में फोटो खिंचाएगा, चर्चा किस पे होगी। विशेष राज्य के दर्जे पर पलटी मार जाएंगे, अपने राष्ट्रीय ध्वज की बात को खारिज करेंगे, 3 तलाक से लेकर करके 370 जैसे मुद्दे पर पलटी मार जाते हैं, और फिर एक बार कल्ले पलटी मार गए मुख्यमंत्री जी के, नए भाई हम तो नहीं छोड़े हैं। अब पत्र भेजते हैं तेजस्वी जी, तब अवलोकन भी नहीं करते, अब बिन पढ़ले चिट्ठिया अब बयान दे देते हैं। तो कह रहे हैं पत्र तो लिखे हैं, मिला कहाँ है मीडिया में। अब दुर्भाग्य है ना कि 12-15 में मुख्यमंत्री सचिवालय को रिसीव करा दिया गया पत्र। मुख्यमंत्री जी थके हुए हैं, ये बात तो सबको समझ में आ गई है। अब सचिवालय भी थका हुआ है, मुख्यमंत्री सचिवालय भी थका हुआ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मुखमंडल पर और उनके चितवन पर जो रेखाएँ थकान की परिलक्षित होती है, सब समझ जाता है कि मुख्यमंत्री जी थके हुए हैं। तो एक बात समझ लेनी चाहिए,
और एक बात आप भी जान लीजिए, बिहार के विकास के सवाल पर नीतीश कुमार जी ने कभी साथ नहीं दिया, न शुरुआती में न अभी। शुरुआती विशेष राज्य के दर्जे पर भी मुखालपत इन्होंने किया था। माननीय वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे देश के, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने गांधी मैदान में आंचल फैला करके मांगा था विशेष राज्य का दर्जा। आदरणीय नीतीश जी, आपको संज्ञान में मैं बात देना चाहता हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि आप बिसर गए होंगे, आपको याद होगा स्टार टीवी से वन टू वन में बात करते हुए आपने क्या कहा था, भूल गए क्या? मैं दिला दूँ याद क्या आपको? आपने ही ना कहा था, आपने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है, विशेष इच्छा शक्ति की जरूरत है। मानव संसाधन की अपार संभावनाएं बिहार के अंदर में है, अपने पैरों पे ये पंजाब हरियाणा बन सकता है। कटोरा लेकर किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, आप कैसे भूल जाते हैं? 1,85,000 करोड़ का पैकेज बनाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने भारत की सरकार को समर्पित की थी। इन्होंने एक बयान दिया था कि NH की सड़कें पैकेज है, रेलवे में इन्वेस्ट नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री सुधार कर लीजिए, NH भारत सरकार का एसेट और लाइबिलिटी है, रेलवे भारत सरकार का एसेट लाइबिलिटी है, एयरपोर्ट भारत सरकार का एसेट और लाइबिलिटी है। हमने जो पत्र लिखा है नदियों को जुड़ने वाली है, एक नदी को आपने जुड़ने का जो काम चल रहा है वो कछुए की गति चल रहा है। हम राष्ट्रीय योजना की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय योजना घोषित करने की बात कर रहे हैं, विशेष अवसर की बात कर रहे हैं। जब तक बिहार विकसित नहीं होगा देश विकसित नहीं होगा। आप कहाँ हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप हर बार पलटी क्यों मारते हैं? लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हमारे मंत्री ने जो कहा कि हम थक चुके हैं विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते करते, उन्होंने कहा मंत्री जी ऐसे ही बोल दिए होंगे, हम तो लगातार मांग कर ही रहे हैं विशेष राज्य को। माननीय मुख्यमंत्री जी थकल हैं, उनका मंत्री वो थक गए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, थकान वाली बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बात वाली बात होनी चाहिए। चलिए, शक्ति यादव थे, देखिए जिस तरह से लगातार बात हुई बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिलाने की बात को लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री का साफ तौर पे कहना था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जल्द मिलेगा, बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ।